नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SKS स्टडी चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा गुरुत्व केंद्र का, कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले गुरुत्व केंद्र बारे में समझ लें। गुरुत्व केंद्र होता क्या है? गुरुत्व केंद्र वह है जिस पर पिंड का संपूर्ण भार क्रिया करता है। पिंड का गुरुत्व केंद्र माना जाता है या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। जैसे कि मैं मान लूँ मेरे पास ये पेन है, तो मैं इसका गुरुत्व केंद्र पूछूंगा, गुरुत्व केंद्र कहाँ है? तो इसका गुरुत्व केंद्र देखिए यहाँ पर भी नहीं हो सकता। जहाँ पर इसका केंद्र होगा, देखो इस जगह इसका गुरुत्व केंद्र ये बोला जाएगा, क्योंकि सारा का सारा भार जो है इसी पॉइंट पर, इसी बिंदु पर जो मेरी उंगली है इसी पर केंद्रित माना जा रहा है। ठीक है, या संकेंद्रित माना जा रहा है। तो यही इस पिंड का, यही इस बॉडी का गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्यमान केंद्र। ठीक, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित माना जाता है। मतलब यही बिंदु जहाँ पर पूरा का पूरा द्रव्यमान संकेंद्रित माना जाता है, वही क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। मतलब सेंटर, किसी भी बॉडी का सेंटर नहीं कह सकते आप, क्योंकि बॉडी का अगर सेंटर कहोगे तो बॉडी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं इस तरह से कोई बॉडी बना दूँ, तो इसका आप सेंटर कैसे निकालोगे? ठीक है भाई, गुरुत्व केंद्र तो निकालने के लिए हमें कोई तो केंद्र लेना पड़ेगा। तो इस तरह का बॉडी अगर आपको दी जाती है, आप इसका गुरुत्व केंद्र निकालना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे? इसके सेक्शन बना लोगे। इस तरह से क्या कर लोगे? सेक्शन बना लोगे। तो जिस केंद्र पर, जिस पर काटेगा ये सेक्शन जो है, वही उस बॉडी का गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। जैसे इस पॉइंट पर अगर काटता है तो यही कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कोई बॉडी अगर दे रखी है आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको नहीं दी है, और वो आकृति हमें भी नहीं पता कि किस तरह की आकृति है, तो उसका गुरुत्व केंद्र किस तरह से निकालेंगे? सेक्शन बना करके। ठीक है, कि आप सेक्शन बना लोगे और सेक्शन बना करके उसका गुरुत्व केंद्र निकाल लोगे। ठीक है, तो बात आती है द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र क्या है। तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। उसमें भार ले लिया गया गुरुत्व केंद्र के लिए, और इसमें द्रव्यमान ले लिया गया। ठीक है, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है केंद्रक। ठीक है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड अलग है द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र से, सेंट्रोइड के हमारा अलग है बिल्कुल। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे क्या है। अब देखिए, तो केंद्र क्या है, सेंट्रोइड क्या है। ऐसी आकृतियाँ जैसे आयत, वर्ग, घन, ठीक है, जो आकृतियाँ हैं जैसे आयत, वर्ग, घन, इसी प्रकार की आकृतियों जो क्षेत्रफल जो होते हैं, क्षेत्रफलों के केंद्र को केंद्रक कहते हैं। जो आकृतियाँ हैं उनके क्षेत्रफल जो भी हैं, उनके केंद्रक जो होगा, जो केंद्र जो होगा, क्षेत्रफलों के केंद्र जो होगा, उसी को हम केंद्र कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कोई मास नहीं होता है, इसमें कोई भार नहीं होता है। ठीक है, इसमें ना तो कोई मास होता है और ना ही कोई भार होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये केंद्रक कहलाता है जिनमें कोई भार नहीं होता है, ना ही कोई द्रव्यमान होता है, सिर्फ आकृति होती है। ठीक है, और उस आकृति के क्षेत्रफल के केंद्र को केंद्रक कहते हैं। जैसे कि मैं नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया आयत, क्या लिया मैंने, आयत लिया। तो आयत में, ठीक है, तो पहली आकृति हमने क्या ले रखा, आयत ले रखा है। जिस आयत की देखो आपकी लंबाई भी दे रखी है बी, ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है एच, या आप कह सकते हो चौड़ाई बी दे रखी है आपकी और एच ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो इस आयत का गुरुत्व केंद्र क्या होगा? ठीक है, केंद्रक क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ये द्रव्यमान और मास तो है नहीं इसके अंदर, तो हम इसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे या द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे, तो इसमें क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे या केंद्रक निकालेंगे। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, तो हम यहाँ से सेक्शन लेंगे, देखो इसके इस पॉइंट से मिला देंगे और इसको भी इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो कहाँ पर निकला, यहाँ पर निकला। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट जो होगा यहाँ से, और ये वाला जो होगा, यही हमारा ये जो पॉइंट है, यही सेंट्रोइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड कहलाएगा। तो ये दूरी देखिए कितनी होगी, यहाँ से ये दूरी बी वाई टू होगी आपकी, जब हमारी ये बी दे रखी है, तो और ये भी क्या होगी, बी वाई टू होगी। कहने का मतलब आयत का जो सेंटर पॉइंट होगा वही हमारा सेंट्रोइड होगा। तो सेंटर पॉइंट का मतलब हाफ होगा इस एक्सिस से, ऊपर भी नीचे भी, तो ये एच वाई टू होगा और ये भी हमारी एच वाई टू होगा। ठीक है, तो ऊंचाई में हमारा एच वाई टू होगा अगर हम सेंट्रोइड पूछेंगे तो, और चौड़ाई में हमारा क्या होगा, बी वाई टू होगा सेंट्रोइड। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास आकृति वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, तो देखिए वृत्त का तो आप चाहें तो इस तरह से एक्सिस काट लिए, चाहे इस तरह से एक्सिस काट लिए, तो ये तो हमारा सेंटर पर ही काम करेगा।
कहाँ पर काम करेगा, सेंटर पे काम करेगा, या कह सकते हो आपके व्रत का केंद्र, केंद्र जो व्रत के मध्य बिंदु पर ही कार्य करता है, मतलब सेंट्रोइड जो काम करेगा कहाँ पर काम करेगा, हमारा मध्य बिंदु पर, ये तो यही कहलाएगा हमारा सेंट्रोइड। क्योंकि यहाँ तो आप ऐसे काटो तो रेडियस के बराबर ही होगा, तो रेडियस दे रखी हमारी आर, तो ये सेंट्रोइड क्या कहलाएगा हमारा, रेडियस के बराबर होगा जो आर दे रखी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेता हमें त्रिभुज का केंद्रक। ठीक, त्रिभुज का केंद्रक, तो त्रिभुज का केंद्रक देखिए आप किस तरह से काम करता है। देखो त्रिभुज का केंद्रक हम लेंगे तो ये हमारा त्रिभुज दे रखा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है h। ठीक है, तो मैं इसको देखो इसी को मैं इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया था इसी तरह से मैं काटूंगा, इसके सामने जस्ट इस पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा, लंब डाल दूंगा। तो देखिए ये परपेंडिकुलर लंब डाल, इसी प्रकार से मैं इसका परपेंडिकुलर इस पर डालूंगा, तो इस कोने वाला परपेंडिकुलर मैं इस पर डाला और फिर उसके बाद इसका परपेंडिकुलर मैं इस पर डालूंगा, तो ये पॉइंट जो बन के आएगा यही हमारा सेंट्रोइड होगा। क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। ये देखिए कितनी दूरी पर होगा नीचे से, तो नीचे से ये दूरी होगी हमारी, तो ये दूरी कहलाएगी हमारे यहाँ से एच वाई थ्री, कितनी कहलाएगी एच वाई थ्री, ये दूरी होगी। और ऊपर से जो दूरी होगी वो हमारी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की टू एच वाई थ्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंट्रोइड निकलेगा, त्रिभुज का सेंट्रोइड जो है कि ये आधार से एच वाई थ्री पर और ऊपर से टू एच वाई थ्री पर कार्य करता हमारा, जो ये हमारा गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, केंद्र क्या, सेंट्रोइड कहलाता है। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट आकृति लिए मैंने आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र, तो आर त्रिज्या देखो हमारा यहाँ से इस पॉइंट से आर त्रिज्या दे रखी है, तो आर त्रिज्या मतलब डायमीटर, तो टू डी टू आर हो जाएगा हमारा डी, डायमीट्रिकल टू आर हो जाएगा, तो आर अर्धवृत्त का। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट पर तो हमारा केंद्रक होगा इसी, क्योंकि ये सेंटर है हमारा, यहाँ से इसका सेंटर है, डी का सेंटर हो गया ये, इस पर तो होगा, लेकिन यहाँ से ये तो सेंट्रोइड हो गया हमारा, मतलब आधार आधार पर। ठीक है, आर तो हमारा आधार पर होगा सेंट्रोइड, लेकिन आधार से अगर ऊपर की तरफ देखें, ऊंचाई की में देखें, तो ऊंचाई पर हमारा सेंटर कहाँ होगा, तो यहाँ से हमारा ये ऊपर की तरफ हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से जो सेंट्रोइड निकालेंगे, तो यहाँ पर कहीं सेंटर मिलेगा हमें जब हम घुमा के या एक ही बिंदु पर केंद्रित करके देखेंगे, तो जिस तरह से मैंने पेंसिल को रोका था इधर आगे पीछे करके इसी तरह से रोका था, इस तरह से इसका देखेंगे तो ये हमारा कहीं यहाँ पर होगा, जो हमारा इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, इस रेखा पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो नीचे से हमारा जो काम करेगा, जो नीचे से जो दूरी होगी हमारी, ठीक है, नीचे से जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो दूरी होगी आपकी फोर आर अपॉन थ्री पाई। क्या होगी दूरी हमारी, फोर आर अपॉन थ्री पाई, जो आधार से जो काम करेगा ऊपर की तरफ वो काम करेगा हमारा फोर आर अपॉन थ्री पाई पर। ठीक है, नेक्स्ट है ठोस पिंड का गुरुत्व केंद्र, नेक्स्ट आकृति हमारी क्या है। ठीक है, जो जिसका हम ठोस पिंड का गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। ठीक है, ये ठोस हमारा पिंड दे रखा है जिसकी जो त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, तो आर त्रिज्या दे रखी है, तो ये सेंट्रोइड सेंटर हो गया, देखिए इस रेखा का ये सेंटर हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, इसी सेंटर पर हमारा गुरुत्व केंद्र कहीं पर पाया जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पोर्शन बोलते हैं, सिमेट्रिकल मतलब सममित मतलब इधर भी बराबर भाग है और इधर भी बराबर भाग है, तो ये किस पर सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा सिमेट्रिकल क्या होता है। इसी प्रकार ये सिमेट्रिकल था तो ये हमारा आर मिला था, इसी प्रकार ये सिमेट्रिकल है तो ये जो हमारा ये जो है ये वाई एच होता है, तो वाई एच से आर, ये क्या आर दूरी है बराबर आर इधर है, तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा, तो ये सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिक कहलाएगा, जो सिमेट्रिकल होगा वो हमारा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सिमेट्रिकल कहलाएगा, जो सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ से कितनी दूरी पर हमारा सेंट्रोइड जो काम करेगा, मतलब ये सेंट्रोइड हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है जहाँ पर हमारा आधार से सेंट्रोइड काम कर रहा है, तो ये होगी हमारी दूरी ठोस के लिए, बता रहा हूँ थ्री आर अपॉन एट, जो ठोस होगा उसके लिए आधार से कितनी दूरी पर काम करेगा, ये ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई थ्री आर अपॉन एट पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थ्री आर अपॉन एट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट आकृति जो हमने लिए वो लिए शंकु का, कि शंकु का गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। ठीक है, अगर शंकु की ऊंचाई एच दे रखी है तो ठीक है, तो हम इसका गुरुत्व केंद्र लगा देंगे, तो देखो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, सीधा का सीधा हमने डाल दिया, तो यहाँ तो देखो ये परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, तो ये डिस्टेंस तो आपकी आ रही होगी, क्योंकि आर रेडियस का अगर ले रहे हैं हम, ठीक है, डी डायमीटर इसका तो आर हो गई, लेकिन यहाँ से ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से ऊंचाई कितनी पे लेंगे, तो ये वाली जो ऊंचाई होगी वो होगी आपकी ऊंचाई जो है एच वाई फोर, एच वाई फोर, सॉरी एच वाई फोर, अगर ये एच वाई फोर है तो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन जो बचेगा वो बचेगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कितना बचेगा, थ्री एच वाई फोर, कितना बचेगा हमारा, थ्री एच वाई फोर, जो हमारा काम करता है यहाँ से, तो ये होगा थ्री एच वाई फोर। इस तरह से हमारा ये यहाँ पर जो आकृतियाँ ली थी मैंने वो आकृतियों का सेंटर पॉइंट बता दिया है कि इस तरह से हमारा क्या है, इस आकृतियों का सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, इन आकृतियों के सेंटर पॉइंट में या सेंट्रोइड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर में इसका
गुरुत्व केंद्र और केंद्रक में दोनों में अंतर बताऊंगा और टॉपिक ये भी बताऊंगा सिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब संवितरित क्या होता है, क्योंकि संवितरित भी आप समझोगे जब ही आगे जाके जो आपके इसके पॉइंट आएंगे आगे और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आप तभी निकल पाओगे जब आपको संवितरित के बारे में पता होगा, ठीक है। और सेंट्रोइड के बारे में और आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में दोनों के बारे में अंतर भी बताऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। आप कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। धन्यवाद।